हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। आज के इस वीडियो में मैं एमएड थर्ड सेमेस्टर पेपर 3 एडवांस एजुकेशनल रिसर्च का सिलेबस शेयर करूंगी। और सिलेबस का जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि क्या टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। इसके अलावा आप एमएड से रिलेटेड वीडियोज़ भी सारे एमएड प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है उसमें एमएड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसपे एमएड से रिलेटेड सारे मैंने वीडियो शेयर किए हुए हैं। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो काफ़ी कंटेंट जो आपका यूज़फुल है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। टॉपिक्स कुछ आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं और रेगुलर आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ टॉपिक मैं शेयर करती रहती हूँ जो कि बहुत यूज़फुल रहते हैं सभी बच्चों के लिए। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। 3 घंटे का ये पेपर होता है। तो इसका देखिए यूनिट 1 देख लेते हैं। यूनिट 1 है आपका मेथड ऑफ रिसर्च। मेथड ऑफ रिसर्च में देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वालिटेटिव अप्रोचेज ऑफ रिसर्च, एथनोग्राफी एंड केस स्टडी, ये सब आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। इसके बाद है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर आपको पढ़ना है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टूल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट, रेटिंग स्केल्स एंड सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स इन रिसर्च, राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च पेपर। तो ये यूनिट 2 है आपका। इसके बाद आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको देखिए इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है आपको। पैरामेट्रिक टेस्ट, इसमें मीनिंग ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, स्टैंडर्ड एरर्स, कॉन्फिडेंस लिमिट, लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस, हाइपोथेसिस, लार्ज सैंपल्स एंड स्मॉल सैंपल्स, वन टेल एंड टू टेल टेस्ट, टू टाइप्स ऑफ एरर, जी टेस्ट आपका, टी टेस्ट है, कंसेप्ट एजम्पशंस, कंसम्पशंस सॉरी कॉम्पिटेशंस एंड यूसेज, तो ये आप लोगों को इसमें करना है। इसके अलावा आपका अनोवा, वन वे एंड टू वे, अनोवा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार आता है, इसका कंसेप्ट एजम्पशन, कॉम्पिटेशन एंड यूसेज। इसके बाद है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर देखिए आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें मीनिंग ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कंसेप्ट, कॉम्पिटिशन एंड यूजेस ऑफ ची टेस्ट, और आपका इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस, मीडियन टेस्ट, साइन टेस्ट, मान विटनी, यू टेस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, तो इसके अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। तो ये सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 3 है एडवांस एजुकेशनल रिसर्च, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिएगा एग्जाम्स के लिए, और मेरे साथ बने रहिएगा। इसी तरह से यूज़फुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और इसके और भी अभी एमएड जो नेक्स्ट वीडियो में उसमें मैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 4 भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। इसके अलावा पेपर 1, एमएड सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के वीडियोज़ भी मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वो आप लोगों को ज़रूर देखिएगा। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।